हेलो फ्रेंड्स, AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इग्नू के जनवरी 2021 एडमिशन सेशन में जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में फ्रेश एडमिशन लिए हैं और इसके अलावा जो भी अपना सेकंड या थर्ड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन किए हैं, उनका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, इनरोलमेंट नंबर उनको मिल चुका है। अगर आप इग्नू के इनरोलमेंट नंबर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम नोट फाउंड दिखा रहा है जैसा इसमें आप देख सकते हैं, तो आपको इसमें क्या करना होगा कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि जो भी इग्नू से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक इमीडिएटली पहुँच सके। तो अभी पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कंप्लीट जो इग्नू का इनरोलमेंट नंबर से लॉगिन करने का ये लिंक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करें। उसके बाद जब आप प्रोग्राम कोड एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर अगर लॉगिन नहीं होता है तो इसका कारण यह है कि जब भी आप इग्नू में किसी भी प्रोग्राम में फ्रेश इनरोलमेंट किए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन की एडमिशन किए हैं तो आपको कन्फर्मेशन मेल रिसीव हो चुकी है, उसमें उसके बाद भी इग्नू का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न आपका इग्नू के एडमिशन पेज पे डिटेल्स अपडेट करने में जिसमें आप इनरोलमेंट नंबर से लॉगिन कर पाएंगे कुछ वक्त लेता है और जनरली ये समय लगभग एक महीने आप मान के चल सकते हैं जब आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है। उसके बाद एटलीस्ट 1 मंथ आप वेट करें, उसके बाद श्योर आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है कंप्लीट, आपका इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड से आपका लॉगिन हो जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर फिर भी लॉगिन नहीं होता एक महीना वेट करने के बाद तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में आप कॉन्टैक्ट करके अपना कन्फर्मेशन कर सकते हैं, वो आपका अपडेट कर देंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनरली ऑटो में ही अपडेट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। अगर आपका एडमिशन अभी कन्फर्म हुआ तो आप एक महीना वेट करिए, आपका श्योर इसमें कंप्लीट डाटा आ जाएगा। इसके अलावा तो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स यही थी, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट और मैसेज इसी संदर्भ में हमें प्राप्त हो रहे हैं कि उनका इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड से लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका कारण यही है। और दूसरा एक कारण हो सकता है कि आप करेक्ट प्रोग्राम कोड ज़रूर सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका BAG है तो BAG ही करें, और जिनका BA है ओल्ड वाला रजिस्ट्रेशन अपना किए हैं वो BA ही सेलेक्ट करें, तभी आपका शो होगा। अगर आप करेक्ट डिटेल्स डाल रहे हैं तो आपका श्योर इसमें डाटा आ जाएगा, लेकिन एडमिशन के एक महीने के बाद आप मान के चल सकते हैं। तो ये बड़े अपडेट थी इग्नू के बारे में, बहुत से स्टूडेंट्स के हमें कमेंट और मैसेज इसी के बारे में प्राप्त हो रहे थे कि हमारा एडमिशन तो कंफर्म हो चुका है लेकिन हम अपना इनरोलमेंट नंबर से लॉगिन कब कर पाएंगे, ऐसा क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसका कारण सिर्फ यही है, कंप्लीट डिटेल्स इसकी मैंने कवर कर दी है। फर्दर इग्नू से जुड़े हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल AIS एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियोस और क्लासेस हम अपलोड करें आप लोगों तक इमीडिएटली पहुंच सके।